कैसे आप सब लोग, होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, बहुत दिन के बाद आज पीयू की छुट्टी है, संडे है, तो बहुत दिन के बाद ऐसे ही मन बना है कि चलिए कहीं बाहर चलते हैं। गर्मी के चलते बहुत कम निकलते हैं, बच्चों के साथ करके रह नहीं देते, हम लोग स्किप ही करते हैं। बट आज मन है कि थोड़ा बहुत चलिए कहीं बाहर जाके आते हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि सेक्टर 5 पंचकुला में कोई मेला लगा हुआ है। सो चलिए थोड़ा बहुत बच्चों को देखते हैं, कुछ झूला या कुछ ना कुछ खिला के आ जाते हैं। बच्चों को भी हम लोग निकालते नहीं है घर से ज़्यादा, तो ऐसा है कि बच्चे चिल कर लेंगे। सो अच्छा माहौल भी बन जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मेन बात गाइस ये है कि बच्चे तो चिल करेंगे ही करेंगे, साथ में उनकी मम्मियाँ भी चिल कर लेंगी। ठीक है, मम्मियाँ भी कर लेगी अगर मन होगा तो। ठीक है, मम्मियाँ भी कर ही लेगी यार, तो कौन सी मम्मियाँ बूढ़ी हो चलिए कि नहीं करेगी। सो इसी के साथ चलिए पहले चलते हैं एंड आप लोग को भी लेके चलते हैं सेक्टर 5 के मेले में, देखते हैं कि कैसा मेला लगा है। सो हमारे साथ जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, सो मिस्टर पीयूष श्रीवास्तव जी जा रहे हैं, सो यहाँ पे दीदी भी जा रही है एंड ये हमारी क्यूट प्रिंसेस ये भी जा रही है। और ये वाला ड्रेस रुद्र ने दीशु को राखी पे दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये जनाब कैसे पीछे रह सकते हैं? ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये बता रहा है कि मैंने दिया था। हाँ मैं हमेशा दूंगा बोला दीदी का चुंदर चुंदर कपड़े। ठीक है, चलिए चलते हैं एंड एंजॉय करते हैं। मम्मी भी साथ में जा रहे हैं। पहुंच गए एंड हमने यहाँ पे कर लिए गाड़ी पार्क। यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करने के लगे 20 रुपए एंड सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क है। अंधेरा है सो इतना दिख नहीं रहा, बट यार मेला दूर से दिख रहा है। फिलहाल चलिए यहाँ से घुस के कहीं बीच में से निकल जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ लाइन लगनी पड़ेगी, यहाँ पे टिकट लेनी है। सो टिकट की लाइन काफी लंबी है, बट हम लोग पहुंच गए फिर भी। सो यहाँ पे हमें ये मिले थे नाइट सूट्स एंड 300 की कॉस्ट थी। सो यार बहुत ही रीजनेबल प्राइस कह सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉप थे 200 में लगे हुए एंड यहाँ पे ड्रेसेस और जो यहाँ पे 400 के थे। एंड ये क्वालिटी देख के था, यहाँ पे 250 के भी आपको मिल जाएंगे, 250 150, और लड़के के लोअर्स भी लगे हुए थे यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छी रेंज में, आप लोग अगर लेने में कंफर्टेबल हो तो आप ले सकते हैं जो भी आओगे। एंड थोड़ा आगे देखा जाए तो कुछ ये सब चीज़ें हैं। ओके एंड एक बार हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, मुझे दिखा है कुछ 20 की सेल में। इतनी खुशी बट है क्या, मे भी सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे सारी चीज़ें 20 की सेल में है। सो यार इसे तो कह सकते हम, देखना बनता है। एंड यहाँ पे ये पापड़ छान रहे हैं लोग, लेने वाले पापड़ की लाइन में। अरे भाई जहाँ पे 20 का बोर्ड दिख गया ना, सोच लीजिए वहाँ पे लड़कियों की लाइन देख लीजिए। हम भी है, हमें भी देखना है कि है क्या। वैसे इसकी रेंज में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट भीड़ देखिए, भीड़ के चलते हमने सोचा थोड़ी देर बाद देखते हैं। एंड यहाँ पे ये भी था, ये भी 20 की सेल में ही है, तो थोड़ी देर में देखते हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, अभी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, मे भी कुछ और अच्छा मिल जाए। सो टैटू की शॉप भी है यहाँ पे, पीयू पूछ रहे टैटू बनाना है, मैंने साफ साफ मना कर दिया, ना मैं बनाऊंगी ना आप बनाओगे। एंड यहाँ पे टॉयज है, सो जैसे ही आगे बढ़े हमें यहाँ पे और भी टॉप्स दिखने लग गए। सो टॉप है यहाँ पे, बट यहाँ पे प्राइस नहीं पता, बट देखते हैं।
सो गाइस सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं भूतों के मास्क हैं, चप्पल थे। सो गाइस फिर से हमें यहाँ 20 का बोर्ड दिखा है, सो 20 की सेल है, तो चलिए यहाँ भी जाके देखें कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रश तो है बट घुस जाएंगे। हमने ले लिया है दोनों ने, आपने क्या लिया? अब देखिए पीछे देखिए टॉयज की शॉप भी सेल में लगी थी, जो कि 400 की रेंज में थी। सो जुतियां जुतियां हैं एंड काफी प्यारी कलेक्शन है गाइस। गाइस गेस व्हाट, सेल 100 एंड नेक पीस 100 के, लेना बनता है। जो नेक पीस देखे आप लोग, ये 100 की रेंज में यहाँ पे सेल में लगे हुए है। सो काफी अच्छे कह सकते हो यार, काफी प्रीटी है, देखते कुछ कुछ समझ आए तो ले जरूर लेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ सूट्स भी दिख रहे हैं एंड देखते कि क्या प्राइस रेंज में है, बट सूट्स प्रिटी है। सो यहाँ 1000 में आपको सूट्स मिल रहे थे, सो हमने तो अभी रहने दिया। इसकी सेल लगी थी, 80 का 1 है एंड 150 के 2 है। सो मैं सोच रही हूँ कुछ ले ही लेते हैं बच्चे के लिए। देखिए फिश है फिलहाल, तो जो आपने लिया है हाथों में एक तो ये डन है, एक और देख रही हूँ मैं। सो मैडम आई थी बच्चों का टॉय लेने और खुद का टॉय लेके बैठ गई है, क्या लिया राज? खुद का क्या होता है, बच्चे के लिए लिए। तो गाइस हमने ये दो चीज लिए हैं, ये बच्चे के लिए। सो गाइस हमने तीन चीजें ली हैं, एक ये है और दो वो है। नहीं नहीं ये हमारी भाभी है, मेरी भाभी है। हाँ तो गाइस ये ले लिया, ये भैया थे मेरे कुछ सेल में चीजें लगी थी, ये 2020 में मिल रहे थे बट देखते कुछ सही लगे तो। सो ये देखिए कितने प्रीटी प्रीटी बाउल है, ये 20 की सेल में थे एंड ये प्लेट्स भी है, प्लेट्स मिलेगी। ये जो बड़ी वाली प्लेट्स थी गाइस ये देखिए 60 रुपए में थी एंड कुछ 40 में ये डिब्बे टाइप के है। सो यार काफी अच्छी अच्छी चीजें कह सकते हैं। एंड अंदर देखिए, ये देखिए गाइस ये 30 की रेंज में है, यहाँ पे ये 30 की रेंज में है, दिस वन ये भी 30 है, वर्थ है गाइस। सो गाइस यहाँ पे ये 150 में ये भी है, ये देख लीजिए कितना प्रीटी है। 60 में गाइस देख लीजिए कितने सारे शेड्स है, कितने सारे डिजाइन है, बाउल्स भी अच्छे हैं बट मुझे थोड़े से रबड़ में चाहिए थे सो वो मिल नहीं रहे। एंड ये 80 की रेंज में यहाँ पे ये छोटी छोटी कढ़ाइयाँ टाइप में आ रही है। गाइस हम डायनासोर पार्क आ गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, सो हम अंदर चल के देखते हैं अब क्या है। सो पहले एक बार टिकट कटवा। तो गाइस ये डायनासोर पार्क का एंट्रेंस था जहाँ पे मैं गया था, और यहाँ पे राज नहीं जा पाई थी। और आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं घुसते ही हमें डायनासोर दिख जाएगा, ये अंडे में से डायनासोर, एक डायनासोर जो आपको दिख रहा है ये हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। देखो अब छुप गया, अब आ गया, छुप गया आ गया, बस यही कर रहा था ये, तो बढ़िया टाइम पास हो गया। फिर यहाँ पे एक ये अंकल दिखे बड़े अच्छे से, अच्छे खासे खाते पीते घर के। उसके बाद यहाँ पे हमने एक डायनासोर को देखा और ये बहुत बड़ा डायनासोर था, ये मूव नहीं कर रहा था, एक्चुअली एक स्टेबल डायनासोर था, बस इसकी शायद से मुंडी मूव कर रही थी। हाँ ये देखो बस, मतलब गाइज ये मैं सच्ची बोलूँ तो पैसा वेस्ट था एक टाइप से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि एक ये है, इतनी क्लोजली दिखा रहा हूँ। एंड मरना है क्या? मरना है, तेरे को डर नहीं लगता? एक तो ये है ब्रो, आई किडिंग मी, कुछ तो हिल सा रहा है ये, ऐसा सच में हिल रहा है। ओ भाई चला चला भी है, ओ भाई 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 साहब, वाओ वेरी अमेजिंग, आर यू सीरियस? भाई ओके, डर गया? ओ भाई वेरी गुड, ये मतलब इन्हां दे जोग नहीं, ये देश इन्हां नूं रहना सहना नहीं आउंदा।
ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਗਰੇ ਓ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਇਸ ये बहुत बड़ा सा डायनासोर है आई डोंट नो ये कौन सा है बट ये बहुत ये है छोटू सा बट है सारे अच्छे ये वाला तो भाई खतरनाक सा ही लग रहा है भाई ब्रो तू चलता तो नहीं है ना कहीं पता लगा निकल ही गए ब्लॉग बनाते बनाते ओके अच्छा गर्दन उस वाली की भी हिल रही है मैंने ध्यान नहीं दिया था गाइस आप भी ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ सो मैं यहाँ पे बाहर आ गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था एंड मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस की वजह से बेसिकली मेरे को बंद करना पड़ा इस ये वॉइस को और मेरे को खुद वॉइस ओवर करना पड़ा तो गाइस ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं था अगर मैं आपको जनरली बताऊँ ये जो डायनासोर पार्क में मैं गया था ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं था बिकॉज 70 या 60 रुपीज़ की टिकट थी एंड अंदर जाके 3-4 डायनासोर ही देखने थे वो भी नकली इतने नकली हाँ आई नो असली तो नहीं दिखाने वाले थे बट इतने नकली टाइम वेस्ट था सीरियसली गाइस तो काफी मजे करके आए मुझे नहीं था इंटरेस्ट कि मुझे नहीं जाना अंदर क्योंकि मुझे मतलब कि सफोकेशन सी हो जाती है सो मैं तो नहीं गई मम्मी और मैं रुद्र हम लोग बाहर थे बट ये लोग एंड यार गाने बज रहे हैं रुद्र और आप चलते कुछ खाने पहले चलो हाँ कुछ खा लेते हैं अचार भी लगे हुए ये देखिए आम का अचार है नींबू का अचार है ये लहसुन का अचार है सो काफी चीजें आगे बढ़े सो यहाँ पे खाने के लिए भुट्टे थे सो यहाँ पे लोग भुट्टे बड़े प्यार से खा रहे थे पसंद से खा रहे थे सो ये सब था एंड ये देखिए यहाँ पे पिज्जा भी है एंड आगे कहीं नूडल्स भी मिल रहा है यहाँ पे एग रोल गोलगप्पे पानीपुरी ये सब चीजें मिल रही है एंड जैसे मैं थोड़ा पीछे रह गई देखिए मेरी फैमिली तो खाने की ओर बढ़ती जा रही है सो मुझे ही ढूंढ रहे हैं ये लोग सो ये नूडल्स था मुझे तो मैगी लग रहा है नूडल्स तो नहीं टिक्की थी एंड ये देखिए यहाँ पे पाव भाजी है सो यहाँ पे मिली थी हमें राजस्थानी थाली इसमें कुछ 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 अलग अलग मैं नहीं कह सकती बट मुझे समझ में आ गया कि ये हलवा है ये कचौड़ी टाइप है सो जो भी है राजस्थानी थाली है एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है कुलचा तो कुलचा खाया जाए घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया एंड अंदर जाने का तो मौका ही नहीं मिला जहाँ झूले वगैरह लगे हैं क्योंकि मुझे तो झूलना था नहीं बच्चों को भी झूला नहीं है सकती अभी क्योंकि मुझे नहीं झूलना है तो ऑब्वियसली मैं रुद्र को भी अभी अलाउड तो नहीं कर सकती सो टाइम काफ़ी हो गया अब हम लोग सोच रहे हैं कि चल लेते हैं यहाँ से क्योंकि अभी घर के पास भी थोड़ा काम है मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी क्योंकि एक मैरिज है सो शायद वहाँ पर संगीत की रस्म में हम लोग जाए मे बी बट नॉट श्योर थके हुए हैं बस यहीं से वापस ये नज़ारा था यहाँ का ये सब देखिए झूले झूले लगे हुए हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के झूले हैं सब कुछ लोग काफ़ी आए हुए हैं एंड सेल्स लगी मेला है यहाँ पे लगा हुआ और ये बैठे गरीब लोग हंसते चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी मतलब ये होंगे कि इन्होंने तकलीफों ना डील करना होंगे बिल्कुल सही सो गाइस इन लोगों ने पता नहीं सैंडविच लिया शायद से भाई साहब ये देखो वापसी में हम लोग आए सेक्टर 20 में सो यहाँ पे यार आप लोग को पता ही है कि खाने पीने के लिए फेमस मार्केट कह सकते हो सो हम लोग यहाँ आए एंड मैंने लिए यहाँ के फेवरेट फ्राइंग मोमोज सो एंड यहाँ पे लिए साथ में चिकन मोमोज सो हम एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे जो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है वहीं पे है यहाँ पे जूस वाले सो हम लोग यहाँ पे मोइटो कर हमारा यहाँ पे मोइटो आ गया है एंड अब एंजॉय करते हैं इसको फैमिली के साथ हम लोग घर वापस आ चुके हैं फाइनली एंड घर आते आते वापस 10:30 बज चुके हैं और हम लोग 6 बजे निकले थे एंड 10:30 हो गए हैं क्योंकि मेले में बहुत सारी चीज़ें थी घूमने को एंड हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ जाएं क्या देखें क्या ना देखें इतनी सारी चीज़ें थी सो आप भी ज़रूर देखें अगर आप हमारे नियर बाय व्यूअर्स हैं अगर फॉर एग्जांपल कोई पंचकुला से है कोई चंडीगढ़ से है तो ज़रूर जाके देख सकते हैं 5 सेक्टर पंचकुला के परेड ग्राउंड में लगा हुआ है वो मेला स्टार्टिंग में आप एंटर करेंगे तो खाने पीने का मिल जाएगा उसके बाद से सारे झूले हैं बहुत चीज़ें लगी हुई हैं एक्चुअली ठीक है सो ज़रूर जाके देखें एंड आप भी इन्जॉय करें आपको व्लॉग से आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं
और एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कि आपको इस ब्लॉग में दिख जाएगा, वो है डायनासोर पार्क। तो ज़रूर इस ब्लॉग को देखिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, ठीक है। एंड थैंक यू जो 1K प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आप सबको पता ही है 1 पॉइंट कुछ हुए हैं शायद से। सो गाइस जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, पहले तुमको ढेर सारा प्यार, ठीक है। एंड गाइस जल्दी ही हम लोग बहुत न्यू चैलेंजेस भी लेके आएंगे, जैसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम वो चीज़ें आपके लिए फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे फैमिली ब्लॉग्स होते हैं तो हम चैलेंजेस भी वैसे लेके आएंगे जो कि फैमिली रिलेटेड सबको ही देख पाए। सो ज़रूर देखना गाइस एंड ढेर सारा प्यार देना। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।